मोस्ट वेलकम रिलेशंस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। रिलेशंस अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का देखिए ये लेटेस्ट पेपर है, आप लोगों को मिल रहा है और इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न है आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे देखने को। और क्योंकि ये लेटेस्ट इसलिए है रिलेशंस क्योंकि ये एग्जाम में आप लोगों के तुरंत कुछ विद्यालयों में जो है वो एग्जाम चालू हो गए हैं आपके, देख रहे हैं आपके यहाँ 2023-24 का पेपर है तो लेखांकन का ये पेपर रिलेशंस क्लास 11th के बच्चों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय आप लोग देख रहे हैं 3 घंटे का मेरा है, पूर्णांक जान ही रहे हैं आप लोग, क्लास 11th का लेखांकन का ये पेपर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे, अकाउंटेंसी के इस पेपर को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या क्या प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है। सेक्शन ए में देखिए यहाँ पर सर्वोत्तम विकल्प चुनना है, यहाँ पर का जो प्रश्न दिया है, घनश्याम एक फर्नीचर व्यापारी है, निम्न में से कौन से लेन देन का उसकी पुस्तकों में लेखा नहीं किया जाएगा। 50,000 रुपए की लकड़ी खरीदना, 40,000 रुपए का सोफा सेट अपने घर ले आना ले जाना, 5,000 रुपए का घरेलू फर्नीचर बेचना, 30,000 रुपए की डाइनिंग टेबल मित्र को उपहार में देना। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि पुस्तकों में लेखा जाखा नहीं किया जाएगा, ये बताना है हम लोग को। जल्दी से आइए कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। क्वेश्चंस जब आप लोग अपने तरफ से फीडबैक देंगे तभी आप लोगों के लिए कुछ चीजें की जाएंगी, बात इस पेपर में बात करूंगा आप लोगों से, लेकिन मैं पहले आप लोगों का फीडबैक लेना चाहता हूँ। मूर्त संपत्ति क्या है, ख्याति है, स्टॉक है, एकस्व है और पूर्वदत्त व्यय है, तो इसमें से क्या होता है डिस्टेंस को हम लोग मूर्त संपत्ति कहते हैं। खा प्रश्न हो जाएगा आप लोग का। ग वाला प्रश्न देखिए क्या यहाँ पर है, ग वाला प्रश्न, लागत मूल्य अथवा प्राप्य मूल्य इन दोनों में से जो कम हो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। चालू संपत्तियां, स्थायी संपत्तियां, अंतिम रहतियां, सभी संपत्तियां। तो लागत मूल्य अथवा प्राप्य मूल्य इन दोनों में से जो कम हो उसके लिए यहाँ पर प्रयोग करना है शब्द। चलिए बढ़ते हैं हम लोग घ प्रश्न की ओर। देखिए घ प्रश्न हम लोग क्या डिस्टेंस, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। संपत्तियां इक्वल टू दायित्व माइनस पूंजी होता है, संपत्तियां इक्वल टू पूंजी माइनस दायित्व होता है, संपत्तियां इक्वल टू पूंजी प्लस दायित्व होता है और संपत्तियां इक्वल टू शुद्ध मूल्य माइनस दायित्व होता है। जो भी करेक्ट ऑप्शन है डिस्कस कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। आज मैं इस पेपर का आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं इस पेपर को आप लोगों को बस बताना चाह रहा हूँ कि पेपर किस तरीके से आपका पूछा हुआ है। ठीक है, और आप लोगों का अगर फीडबैक मिला तो मैं इस पर जो है लेक्चर भी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा सोल्यूशन के साथ भी। निम्न व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण का योग होगा, व्यवसाय आरंभ किया, उधार माल दिया, खरीदा, 1,00,000 का माल 20% लाभ पर नगद बेचा, किराया दिया, ये पूरा आपको दिया गया डाटा, इस डाटा के आधार पर क्या करना है जो सॉल्व करना है इसे ना। ठीक है, इसको क्या है लेखांकन का योग क्या होगा बताना है। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सत्य और असत्य वाला प्रश्न पूछा गया एडिशन से। एक व्यवसायी की पूंजी जो होता है इतना दायित्व, इतना आयत, संपत्ति है इतना रुपए होगी, लेखांकन प्रमाप इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाते हैं। लेखांकन के नकदी आधार में माल बिकते ही आगम को प्राप्य मान लिया जाता है। लेखांकन में सभी मदों व तथ्यों का लेखा किया जाता है, चाहे वह महत्वपूर्ण हो या नहीं हो। तो इस तरीके से रिलेशन देखिए आप लोग का सत्य और असत्य वाला प्रश्न है। ठीक है, जब सत्य और असत्य वाला प्रश्न समाप्त होता है आप लोगों का, तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए, आपके सम्मुख दिख रहा है रिलेशन, इसको एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए। लेखांकन केवल लेखांकन रिकॉर्डों को न्यायालय में आगमन का अर्थ है। ये सभी के सभी जो है प्रश्न दिए गए आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति के आधार पर है रिलेशन, इसमें आप लोग को उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, जब यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न जब समाप्त होते हैं रिलेशन, तो जब हम आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर सेक्शन बी वाले प्रश्न, सेक्शन बी वाले प्रश्न में बढ़ते हैं जब हम लोग यहाँ पर देखिए सेक्शन बी में, यहाँ पर अति लघु उत्तरी प्रश्न शामिल होते हैं। क्या होते हैं? अति लघु उत्तरी वाले प्रश्न। तो सेक्शन बी में अति लघु उत्तरी वाले प्रश्न, पहला देखिए प्रश्न क्या है, एक निश्चित अवधि को लाभ अथवा हानि की गणना किस प्रकार की होती है। एक निश्चित अवधि को लाभ अथवा हानि की गणना किस प्रकार होती है, ये प्रश्न है आपका। वन लाइनर प्रश्न होता है, जिसमें जानते हैं कि अति लघु उत्तरी प्रश्नों का जो होता है वो उत्तर एक लाइन में दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, लेखांकन सूचनाओं के किन्हीं दो उपयोगकर्ताओं के नाम लिखिए। आरण से क्या आशय है, व्यापारिक छूट किसे कहते हैं, शारदा की परिपाटी क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार विपणन प्रबंधन के त्याग पत्र को पुस्तकों में लेखांकित नहीं किया जाता है। क्या लेखांकन का रोकड़ा आधार सर्वमान्य लेखांकन सिद्धांतों के विरुद्ध है। लेखांकन का उपार्जन आधार किसे कहते हैं। दायित्व और पूंजी के लिए डेबिट एवं क्रेडिट के नियम एक जैसे क्यों होते हैं। लेखांकन समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, ये 10वां प्रश्न हो जाएगा आपका, लेखांकन समीकरण किसे कहते हैं। जब प्रश्नों की सीरीज हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्कस, देखिए तो प्रश्न कौन से हैं आप लोग देखिए डिस्कस क्या है। 11th के बच्चे हम लोग के पास नहीं है कॉमर्स के, अगर कॉमर्स के बच्चे जुड़ते जाएंगे जब इस चैनल पर, जब इस चैनल को आप ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे तो मैं निश्चित तौर पर आप लोग को बहुत सारे कंटेंट जो है अवेलेबल करा दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है डिस्कस, आप लोग जानते हैं कॉमर्स की भी जो कोचिंग होती है इंस्टीट्यूट होती है बहुत महंगे होती है, लेकिन डिस्कस आप लोग को सस्ते में इतना कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को हाफ ईयर एग्जाम हो गया है, एनुअल एग्जाम हो गया, तो उसमें बहुत ज्यादा यहाँ से हेल्प मिलेगा आप लोगों को। ठीक है डिस्कस, लेकिन एक काम करना है, 9, 10, 11, 12 के जो भी विद्यार्थी हैं आपके संपर्क हैं उन पर इस चैनल का लिंक जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। लघु उत्तरी प्रश्न बढ़ते हैं, लेखांकन प्रमाप
वित्तीय विवरणों को एकरूपता और तुलनात्मक प्रदान करते हैं, समझाइए। इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको खींच लीजिएगा, रख लीजिएगा, इन प्रश्नों को आप तैयार करिए। देखिए 10वां प्रश्न क्या है, इसमें डेबिट अथवा क्रेडिट करने के नियम क्या होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इन सभी प्रश्नों को तैयार करिएगा, जिन प्रश्नों में आपको डाउट होगा, दिक्कत होगा, मैं निश्चित तौर पर आप लोगों को उस पर अपना लेक्चर जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स अपना कमेंट में जाकर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना जरूर पड़ेगा। दीर्घोत्तरी प्रश्नों पर जब बढ़ते हैं, श्री रोहित के निम्नलिखित लेन देन थे, रोकड़ धनराशि में व्यवसाय आरंभ किया, उधार पर मशीनरी खरीदी, नकद पर माल, नगद पर माल खरीदा, ठीक है। इस तरीके से डाटा दिया गया, उस पर लेके बातें करनी है, ठीक है। यहाँ दूसरा देखिए प्रश्न दिया गया, इसी के आधार पर ये दीर्घोत्तरी प्रश्न है यहाँ पर, और यहाँ पर चौथा तीसरा जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, ये सभी के सभी जो प्रश्न है डिवेशन, देखिए यहाँ पर डाटा के अकॉर्डिंग दिए गए हैं प्रश्न। पांचवा देखिए यहाँ पर क्या है, लेखांकन प्रमापों की प्रकृति, उद्देश्य, उपयोगिता का लाभ बताइए, अथवा लेखांकन सिद्धांतों की प्रकृति अथवा विशेषताओं को बताइए, ठीक है डिवेशन। तो इस तरीके से ये आपका पेपर है। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, तो खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का, दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए डिस्टेंस, लेकिन एक काम जरूर कीजिए, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर पहले जाकर तुरंत कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से एक नंबर मिलेगा डिस्टेंस, उस नंबर को ज्वाइन कीजिए, खुद भी लाभ उठाइए, दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी मेरे पास और भी लेक्चर पेपर मॉडल पेपर मिलता रहेगा तो मैं नियमित तौर पर आप लोग को प्रोवाइड कराता रहूंगा, और इसका पीडीएफ यदि आप पाना चाहते हैं तो 950-690-227 नाम का आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस नंबर पर जाइए और व्हाट्सएप मैसेज कीजिए डिस्टेंस, और भरपूर लाभ उठाइए इस चैनल का जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला।